एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के द्वारा एफएनओ ट्रेडर्स के लिए एक नया सर्कुलर आया है तो क्या ट्रेडिंग बैन कर दी गई है, सारी डिटेल देखेंगे। बेसिकली यहां पर रिटेलर्स के लिए ही सेबी की तरफ से रिटेलर्स को सेव करने के लिए सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। चलिए देखते हैं डिटेल में, बाद में समझेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सेबी जो होती है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, यानी कि ये जितने भी भारत में निवेश से रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं उनको रेगुलेट करता है। तो इसके सर्कुलर में देखिए क्या निकला है। तो इसके द्वारा इंडिया में जो एक्सचेंज है, जैसे कि NSE और BSE दो बड़ी एक्सचेंज है जिन पर ट्रेड की जाती है, तो इनके लिए ही यहाँ पर एक बड़ा अपडेट सेबी के द्वारा आया है। तो NSE और BSE को निर्देश दिया गया है कि अभी जो वीक में वो लोग सप्ताह के 5 दिन वो 6 एक्सपायरी कर रहे थे, तो इन 6 एक्सपायरी जो 6 दिन में हो रही थी उसको बंद कर दिया गया है। अब केवल 2 दिन में ही एक्सपायरी होगी। अब वो NSE के लिए भी और BSE के लिए भी ये चीज़ जारी कर दी गई है, और ये जो रूल है वो 20 नवंबर से ही एक्टिवेट हो जाएगा। अभी चल रहा है अक्टूबर, 1 महीने का टाइम है, उसके बाद ये एक्सपायरी हो जाएगी शुरू। तो जैसे अभी क्या होता है, संडे के बाद जब मार्केट खुलता है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो मंडे को मिड सेलेक्ट की एक्सपायरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ट्यूसडे को अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलती है, और इसके बाद वेनसडे को देखें तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलती है। ट्यूसडे को बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलती थी। फ्राइडे को अगर हम बात करें तो सेंसेक्स की एक्सपायरी देखने को मिलती थी, और मंडे को ही हमें यहाँ पर बैंक एक्स की एक्सपायरी भी देखने को मिलती थी। तो अभी क्या है कि 2 एक्सपायरी जो ये BSE एक्सचेंज है इसकी तरफ से हमें 2 दिन एक्सपायरी होती है, और NSE की तरफ से अगर देखें तो 4 दिन 4 इंडेक्स में यहाँ पर FNO ट्रेड होती है, यानी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। इसमें 4 इंडेक्स होती हैं और यहाँ पर 2 इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, और इसकी 2 दिन एक्सपायरी थी, NSE की 4 दिन एक्सपायरी थी। तो इन 4 दिन जो अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरी थी उनको अब केवल 1 दिन करा जाएगा, यानी कि ये 4 अब ख़त्म हो जाएंगी, केवल NSE पर 1 ही दिन एक्सपायरी होगी, और BSE पर जो 2 दिन एक्सपायरी थी उसको अब 1 दिन कर दिया गया है, अब 2 दिन एक्सपायरी नहीं होगी। तो ये 2 नवंबर से रूल अप्लाई हो जाएगा। अब चलिए ये तो हो गया कि चलो ट्रेडिंग बंद कर दी है, एक्सपायरी बंद कर दी है, लेकिन उससे FNO ट्रेडर्स को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी इससे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा कि चलो अब तक 4 दिन एक्सपायरी हो जाती थी, 6 दिन एक्सपायरी थी, अब 1 दिन होगी, लेकिन ट्रेडिंग तो होगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइज को भी चेंज करा गया है। तो अभी तक क्या होता था, जैसे अगर हम बात करें निफ्टी पर 25 का एक लॉट था, और बैंक निफ्टी पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 क्वांटिटी का एक लॉट था, 15 यूनिट का। तो इसमें आप 5 से 10 हज़ार रुपये में ट्रेडिंग कर लेते थे, लेकिन अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू होता था, हम जो 5-10 हज़ार रुपये में ऑप्शन ख़रीदते हैं या 1 से 1.5 लाख रुपये में जो ऑप्शन बेचते हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ था वो 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच था। तो अब सेबी ने इस कॉन्ट्रैक्ट के साइज को भी बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर दिया है, यानी कि पहले आप 10 लाख का जो माल खरीदते थे उसको अब सीधा सीधा बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज जब बढ़ेगा तो यहाँ पर जो लॉट साइज है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और लॉट साइज बढ़ेगा तो आपको ऑप्शन ख़रीदने के लिए ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। इसको देखिए और डिटेल में मैं समझाता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट साइज किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। तो 2 एग्जांपल देकर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, जो कॉस्ट टू मार्केट प्राइस है वो 53 हज़ार के आसपास चल रही है, ठीक है, 53 हज़ार, और एक लॉट का जो क्वांटिटी है वो 15 है, यानी कि बैंक निफ्टी का प्राइस है 53 हज़ार, कॉन्ट्रैक्ट है 15 का। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 7,95,000 हो जाती है जब हम 53 हज़ार को 15 से गुणा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं 8 लाख के आसपास है। तो 8 लाख का बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ था, अब इसको बढ़ाकर 15 से 20 के बीच किया जाएगा, तो यहाँ पर लॉट साइज बढ़ेगा, यानी कि लॉट साइज इसका जस्ट डबल होने वाला है, या तो 30 या 35, आई होप यहाँ पर 30 क्वांटिटी हो जाएंगी या फिर 35, लगभग इतनी क्वांटिटी हो जाएंगी,
क्योंकि 35 क्वांटिटी अगर 30 क्वांटिटी भी होंगी तो ये इसका लगभग डबल हो जाएगा, यानी कि जो 8 लाख है वो लगभग 16 लाख के आसपास यहाँ पर लॉट साइज कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाएगा बैंक निफ्टी का। अब अगर हम निफ्टी की रिलायंस की बात करें, निफ्टी भी आप सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टॉक में और दिखा देते हैं, तो स्टॉक का जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है वो 2900 रुपये चल रहा है, 2900 रुपये, और रिलायंस का जो लॉट साइज है ऑप्शन में ट्रेड करने का वो 250 है, यानी कि एक लॉट में आप 250 क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया वो 7,25,000 हो गया, यानी कि 2900 को जब 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,25,000 आएगा। ये है रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइज जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि अभी 8 से 10 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था उसको बढ़ाकर 15 से 20 लाख करा जाएगा, तो ये 8 × 16 हो जाएगा इसका जस्ट डबल, यानी कि यहाँ पर लगभग 14,50,000 के आसपास, अगर इस ये जो 250 का लॉट साइज है इसको बढ़ाकर 500 करा जाएगा, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज को जस्ट डबल करा जा रहा है या फिर डबल से भी ज़्यादा। तो ये दोनों एग्जांपल हमने समझ लिए कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज होगा। अब देखिए प्रीमियम की कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम क्या होता है पहले तो ये समझना ज़रूरी है। देखिए प्रीमियम वो वैल्यू होती है जो हम किसी इंडेक्स के ऑप्शन को परचेज करने में या फिर सेल करने में पे करते हैं। तो जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे निफ्टी बैंक निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करने में अगर हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 7,95,000 जो आ रहा है, हमें इतना पेमेंट नहीं देना पड़ता, हमें बस प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो अब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लॉट का कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा है तो प्रीमियम भी इसका जस्ट डबल हो जाएगा। अब कौन सा प्रीमियम और डिटेल में देखिए, जैसे ये निफ्टी बैंक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 53,000 का ये एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो 53,000 का ये स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर 15 का जो है लॉट है, और इस लॉट का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था LTP वो है 384 रुपये 95 पैसे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इस मतलब ये ओपन इंटरेस्ट है, ये IB है, गामा थीटा विगा, ये तो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे हम ये 15 जो क्वांटिटी हैं इसको बाय करने के लिए ये जो पे करना पड़ता है हमें, यानी कि अगर हम 53,000 की कॉल परचेज करेंगे तो हमें 15 × 384.95 इतना पेमेंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 का एक लॉट है। अब इस लॉट ये तो ये 384.95 जो है एक यूनिट का प्राइस है, यानी कि जो लॉट की एक क्वांटिटी है उसके लिए आपको 384 रुपये 95 पैसे का प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो 15 के लिए यानी कि इसको जब खरीदेंगे तो हमें इतना पेमेंट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो ये 30 हो जाता है तो हमें यहाँ पर पेमेंट जो लगेगा वो 384.95, यानी कि इसके जस्ट डबल लगेगा, क्योंकि ये हो गया है अब दुगना। तो ये जो ये होता है प्रीमियम। अब प्रीमियम के चार्ज कैसे जो हैं बढ़ेंगे वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम नए प्रीमियम क्या होंगे। तो जो ऑप्शन फ्यूचर बायर और सेलर होते हैं, यानी कि जो फ्यूचर को बाय और सेल करते हैं, उन्हें अभी तक प्रीमियम के 1 से 3 लाख रुपये देने पड़ रहे थे। कुछ प्रीमियम जो महंगे हैं वो 1-3 लाख रुपए तक परचेज जाते थे, और सस्ते प्रीमियम आउट ऑफ द मनी जाकर लगभग 1 लाख में आप परचेज कर सकते थे। नया सर्कुलर जो आएगा, नए सर्कुलर के अनुसार प्रीमियम 2 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक ही आप बाय कर सकते हैं, यानी कि आपको कम से कम 2 लाख रुपए अपने ट्रेडिंग आपका अकाउंट में चाहिए इस फ्यूचर को बाय या सेल करने के लिए। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। तो ऑप्शन सेलर के लिए आपको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए जो प्रीमियम की अभी रिक्वायरमेंट पड़ती है दैट इज़ 80,000 to 2 लाख, 8 से 2 लाख रुपए में आप एक लॉट के साथ ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे। लेकिन अभी जब ये सर्कुलर आया है प्रीमियम के रेट बढ़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा है, तो आपको एक लॉट सेल करने के लिए एटलीस्ट 1.5 लाख रुपीज़ से लगाकर 3 लाख रुपये तक देने पड़ेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बायर, क्योंकि 90% ऑप्शन बायर ही हैं और 10% ही ऑप्शन सेलर या फिर फ्यूचर बायर सेलर होते हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी ऑप्शन बायर थे वो 20,000 रुपये से 60,000 रुपये तक प्रीमियम परचेज कर सकते थे,
लेकिन यहाँ पर जब से ये वीकली एक्सपायरी शुरू हुई थी और यहाँ पर भी हर दिन एक्सपायरी शुरू हुई, तो ऑप्शन के प्रीमियम काफ़ी सस्ते हो गए थे और आप लगाकर 5,000-7,000 रुपये में भी ऑप्शन के प्रीमियम परचेस कर सकते थे। तो उसको अब जो है यहाँ पर रिवाइज कर दिया गया है और ऑप्शन बायर भी अब 40,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक के साथ ऑप्शन के प्रीमियम को परचेस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है ऑप्शन बायर के लिए, नए प्रीमियम जो हैं जस्ट डबल हो जाएंगे। अब देखिए सेबी ये सारे रूल तो लेकर आ गई, नए प्रीमियम भी लगे आ गए, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बढ़ा दिया गया है, तो ये सब हुआ क्यों? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि सेबी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उसे जो है यहाँ पर अपडेट करना पड़ा। तो सेबी का काम है जो रिटेलर्स हैं उनको सेव करना, ठीक है, और रिटेलर्स को भी सेव क्यों करना भाई, सेबी को क्या फ़र्क पड़ता है कि रिटेलर्स को लॉस हो या प्रॉफिट हो? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट में दो तरीके से काम होता है, एक होता है ट्रेडिंग से और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग से। तो एक ट्रेडिंग से काम होता है और दूसरा इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कि आप धीरे धीरे SIP के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू फंड डिपॉजिट करते हैं। इसमें आपको SIP और म्यूचुअल फंड ये दो चीज़ों के थ्रू इधर या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पर धीरे धीरे फंड कलेक्ट होना दिखाई देता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, ऑप्शन में बाय करते हैं या इंट्राडे बाय करते हैं, जैसे अभी बाय किया और सेल कर दिया, आज बाय किया सेल कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर क्विक प्रॉफिट और क्विक लॉस होता है, यानी कि लॉस भी इंस्टेंट हो जाएगा और प्रॉफिट भी इंस्टेंट। तो यहाँ पर सेबी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 2019 की भी रिपोर्ट थी और 24 की भी रिपोर्ट है। अगर दोनों के हिसाब से देखा जाए तो 90% पहले 90% FNO ट्रेडर लॉस में थे और अब 93% FNO ट्रेडर लॉस में हैं। तो ये लॉस कर रहे हैं रिटेलर्स, और रिटेलर्स कहाँ से कर रहे हैं, जो अपना वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते थे यहाँ पर उस पैसे को वो निकाल कर FNO में ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ उन पर उन्हें हो रहा है नुकसान। अब देखिए नुकसान हो रहा, तो आप ये कहेंगे कि कैपिटल तो अब भी इंडिया में ही होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर FII और DII दोनों ट्रेड करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर FII तो ये होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और ये DII जो होती हैं ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, तो डोमेस्टिक FNO में ट्रेड नहीं करते, ये केवल कैश सेगमेंट में ही निवेश कर सकते हैं। तो आपका जो FNO में लॉस हो रहा है वो यहाँ पर FII के अंडर में जा रहा है या फिर प्रो ट्रेडर्स जो हैं उनके पास जा रहा है। तो प्रो ट्रेडर्स तो ठीक है इंडिया में ही है, लेकिन FII जो है ये आपके फंड को, आपकी जो सेविंग है इसको लेकर जा रहे हैं विदेश, और यही रीज़न है कि FII को, यानी कि हमारे देश का जो पैसा है, रिटेलर्स का जो मनी है वो देश में ही रहे, बाहर ना जाए, ये रीज़न है कि लोगों की सेविंग्स जो हैं वो ख़त्म ना हो, लॉस ना हो, और रिटेलर्स के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सेबी इतने सख्त कदम उठा रहे हैं। नए सर्कुलर को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है, FNO ट्रेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाया गया है, यानी कि जो रिटेलर्स हैं वो FNO ट्रेडिंग से दूर रहें, सीधा सा मतलब यही है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो इम्पैक्ट पड़ सकता है कल को मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि जब इस टाइप की न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता ही है। यहाँ पर हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे कि मार्केट में कल कैसा रहेगा, लेकिन जहाँ तक लगता है मार्केट में डाउन रहने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जब न्यूज़ आती है तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, और देखते हैं क्या होता है कल। तो फिलहाल इतना ही, सेबी का नया सर्कुलर आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइज को डबल कर दिया गया है, FNO के प्रीमियम भी डबल होंगे, कैलेंडर स्प्रेड की जैसी जो कंडीशन थी वो भी अब, पहले उसको ब्रोकर पे करता था, अब उसको जो है ऑप्शन बायर या सेलर ही उस सारे एडिशनल फंड को पे करेंगे। तो ऑप्शन के जो बायर और सेलर हैं उनको अब ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यही था आज का इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें कोई क्वेश्चन हो तो, और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन
पहुंचे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिक की कोचिंग एसेट गाइड।